हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लो जी, सुबह का अभी बज रहे हैं 6:30 और आप देख सकते हैं मौसम। मैं दिखा देती हूँ, बारिश का मौसम बना है। बिल्कुल बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा है कि बारिश और एक घंटे के अंदर अंदर बारिश आ जाएगी। तो मैं बस अभी बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी और बनाऊँगी चाय। तो चलिए फटाफट से दूध गर्म करते हैं और चाय बनाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में, और किचन में मेरा क्या क्या काम पड़ा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा छोटा सा किचन, और मैंने यहाँ पे अपने किचन को एकदम साफ तो रखा है, लेकिन रात के जो है आज मेरे लास्ट, मतलब बड़े दिनों के बाद जो है ना, मेरे बर्तन रह गए हैं। क्योंकि रात को ना, जैसे हमने खाना वाना खाया और बच्चे ना रोना धोना स्टार्ट कर गए, और मैं उनको सुलाते सुलाते खुद भी सो गई और बर्तन साफ करने के लिए नहीं उठ पाई थी और मेरे बर्तन रह गए। ये मेरी गलती है बहुत बड़ी, नहीं तो मैं बर्तन रात को नहीं रहने देती हूँ, साफ करके ही सोती हूँ। तो चलिए अभी देखिए, दूध भी बाहर ही रह गया था बच्चों का। चलिए अभी इसको मैं गर्म करूँगी और चाय भी बनाऊँगी, और साथ में बच्चों के लिए दूध भी एक एक बॉटल दोनों को दूँगी। तो अभी देखेंगे कि पूरा होगा या नहीं। तो चलिए अभी फटाफट से इसको गर्म कर लेते हैं। पड़ गया है तो चलिए अभी इसको फटाफट से गर्म कर लेती हूँ। आँच पूरी फुल रखी है मैंने, और ये मेरी जो साफ़ सफाई का काम होता है ना, ये सुबह उठ के ही मैं पहले कर लेती हूँ। अभी देखिए मेरा झाड़ू पड़ा हुआ है बहुत सारा, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल ना, कल ब्लॉग तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन ये देखिए मैंने छत के ऊपर ये ना मर झूले के लिए हमारे यहाँ पे बनाई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा लेते हैं, बच्चों के लिए हम झूला बना कर देते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के। ये वाला अबिक का है, छोटे बेबी का, और ये वाला माबिया का। ये बाहर मैंने मैंगो के ट्री के साथ बांधा हुआ था ना, तो इन दिनों बारिश पड़ पड़ के बहुत बुरा हाल हो गया था झूले का। तो अभी यहाँ से देखिए, ये देखिए अभी कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, मतलब अच्छे से। अभी इनको जब मन करेगा हम झूला दे सकते हैं, साथ में काम भी कर लेंगे, और साथ में बच्चों को भी खेलने के लिए छोड़ देंगे। बस अभी इनको दूध ही देना मैंने। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ साथ थोड़ा सा काम भी कर लूँगी। पहले फटाफट से चाय चढ़ा लेती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने ना तुलसी के ऊपर से जो उसकी ऊपर से कोमल जो बीज निकले होते हैं ना, टानियों के ऊपर बीज निकले होते हैं, वो मैंने ना तोड़ के ना पत्ती में डाल दिए थे, ताकि तुलसी ना मिले। लेकिन ये अगर डालोगे ना, बहुत ही अच्छे होते हैं इसके बीज, और साथ में जो खुशबू हो जाती है तुलसी के बीज में, वो अलग से। तो अभी रह गई है चीनी डालना। तो चलिए अभी फटाफट से चाय बना लेते हैं। तो चलिए अभी फटाफट से चाय को बॉइल होने तक वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश ने कितना बुरा हाल किया है रात का, और सुबह रात शाम को मैं झाड़ू लगाई थी, और देखिए इस समय कितना बुरा हाल हो गया है। ये देखिए अभी मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी ना, तो 1 घंटा लग जाएगा मेरा। तो ये देखिए आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। ये बड़ा वाला मुर्गा है, ये टर्की होते हैं फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा शायद, जिन लोगों ने मुर्गों का ज़्यादा शौक होता है उनको पता होता है। ये है टर्की, पास से दिखाऊं तो यूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और ये हमने जोड़ी रखी थी ना, तो एक तो कैटू खा गई, बहुत बड़ा था वो, इतना ही था, लेकिन कैटू ले गई उसको। और आगे जो आपको दिख रहे हैं वो चकोर है, ये देखिए, और एक वो वाला है चकोर है। ये भी छोटे छोटे बच्चे लाए थे और बड़े बड़े हो गए अभी। और ये है क्लैलर, कलेलर थोड़ी है, कड़कनाथ, ब्लैक वाली जो है ना, ये कड़कनाथ मुर्गी है। तो ये काफ़ी टाइम से हमारे घर में, जब आप सब ने देखे होंगे मेरे ब्लॉग में भी, पहले बहुत थे हमारे घर में, अभी उसमें से ये एक ही बची हुई है।
तो वो साथ देती है हमारा, कभी कभी एग भी दे देती है महीने में, महीने के बाद जो है एग देना स्टार्ट कर देती है ये। ऐसे तो अगर डाइट हो ना फुल डाइट तो बंद ही नहीं करती है, नहीं तो ऐसे एक महीने के बाद देना शुरू कर देती है। तो देखिए अभी ये घास वास खाएंगी तो फिर खुद ही अपने जो अपने अड्डे पे चले जाएंगे, जैसे इनका जो शेड है ना वहाँ पे चले जाते हैं। चलिए मेरी चाय तो हो गई होगी, अभी इट लानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी मारते हैं। जेलो बीज बहुत हो गई हमारे घर में, तो उनके लिए ना ब्लैक हिट लानी पड़ेगी, तभी जाके वो मरेंगी। तो ये देखिए मेरी चाय तो हो गई, मैं चली गई थी वहाँ पे कुछ देखने के लिए, तो मैं गैस को मैंने सिम कर दिया था। अभी देखिए मेरी चाय बन गई है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हमारी चाय थोड़ी काली है, तो चाय हमारी ऐसे ही बनेगी क्योंकि हमारे घर में दूध नहीं है, दूध हम बाहर से लेते हैं, तो वो इतना पतला होता है कि इसमें अगर पानी डालो तो वो काली बन जाती है। तो अभी मुझे चाय तो पूरी करनी थी इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाला था। तो चलिए अभी फटाफट से चाय हो गई है, ऐसे ही पीते हैं हम चाय तो अच्छी होगी अभी, तो चलिए फटाफट से चलते हैं और चाय पीते हैं। अभी मैं सबको डाल के दूंगी फटाफट से, और बच्चों का दूध भी देखिए मैंने खुला ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन चलो अभी ठंडा हो जाए हो गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं होगा तो मैं अभी बॉटल में डाल के ठंडा कर लूंगी। चाय तो बन गई है, चलिए डाल के देते हैं सबको। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं फटाफट से चाय लेके आती हूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, साथ में पी भी लेते हैं। तो आप भी पी लीजिए सुबह सुबह की चाय। तो फ्रेंड्स शाम के मेरे कपड़े जो हैं पड़े हुए थे, इस्त्री करने वाले थे, कुछ कुछ जो है फोल्ड करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मुझे कपड़ों को ही उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक बेड के ऊपर कपड़े पड़े रहेंगे अच्छा नहीं लगता, और साथ में साफ़ सफाई तो करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने फटाफट से ना जितने भी थे कपड़े इस्त्री करने वाले वो कर दिए, और बाकी वाले कर दिए मैंने फोल्ड, क्योंकि मुझे आज बेडशीट जितनी भी है ना पूरे रूम की बेडशीट मुझे करनी है आज चेंज। तो यहाँ पे मेरे कपड़ों का काम तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने फटाफट से अभी बेडशीट जो है चेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने साथ साथ में मैं डस्टिंग भी कर लूँगी और साथ साथ में मैं जो है चादरें भी डाल लूँगी। तो ये देखिए अभी मैं करूँगी पहले डस्टिंग। तो डस्टिंग तो मैं करती ही हूँ, लेकिन यहाँ पे बेड के ऊपर ना माबिया का उछल कूद बहुत ज़्यादा होता है, और माबिया बार बार मिरर को ही गंदा करती है, जैसे हाथ वगैरह लगाती है ना तो फटाफट से जो मिरर है ना वो गंदा हो जाता है। देखिए इसको तो क्लीन डेली करना पड़ता है मुझे। तो देखिए अभी मैं फटाफट से चादर को डाल दूंगी और अपना आगे काम शुरू करूंगी, क्योंकि अभी मैं शुरू हुई हूँ, 7 तो बज गए हैं मेरे सुबह के, तो अभी मैं फटाफट से सारा काम फिनिश करूंगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरी जो स्पीड होती है ना जब मैं काम करना शुरू करती हूँ ना तो फुल स्पीड में करती हूँ, ताकि मेरा जो काम है ना वह कहीं अटके ना। तो बच्चे अभी सोए हैं, और अभी मैं अपना लाबी का बिस्तर डाल के चादर डाल के आ गई थी मम्मा जी के रूम में, और सारे भैया सोए थे, भैया को मैंने अभी जस्ट उठाया है यहाँ से, और भैया चले गए थे बाहर। और क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाने से पहले ना जितना मेरा काम हो सके मैं उतना कर लेती हूँ, जैसे साफ़ सफाई वाला काम होता है ना मैं झाड़ू लगाने से पहले ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जो पिल्लो हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, ये पिल्लो छोटे हैं लेकिन कवर जो है इसके बड़े थे, तो कोई बात नहीं मैंने एडजस्ट कर दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है अभी। तो चलिए अभी यहाँ का भी हो गया, रह गया मेरे रूम का। और तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने यहाँ पे भी बेडशीट, ये मम्मा जी का रूम है और यहाँ पे भी बेडशीट डाल दी है, अभी चलती हूँ मैं अपने रूम में और अपने रूम में भी बेडशीट डाल दी है, उसके बाद बाकी वाला काम होगा शुरू।
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे माव्या अभी जस्ट सोई थी, तो माव्या भी उठ गई है। और देखिए अभी मैं फटाफट से अपना जो है ये भी बेडशीट चेंज कर दूँगी कि आज मेरा जो रूटीन है ना वो पक्का है, क्योंकि मैं जो जब भी एक बेडशीट की चेंज करती हूँ ना, तो आज मैंने सभी की एक ही दिन डाली हूँ, तो मैं जब निकालूंगी तब भी मैं एक दिन में ही निकालूंगी। हो सकता है कभी आगे पीछे भी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने रूम साफ़ करके एकदम क्लीन कर दिया, बचे हैं मेरे ये कपड़े वॉश करने वाले। और नल में पानी आ गया था तो फिर मैंने पानी भी भर दिया था, बॉटलें भरी थी मैंने। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी लाबी में, तो यहाँ लाबी में देख सकते हैं आप मेरे इतने सारे फ़ैन, जो मतलब दोनों फ़ैन थे लाबी वाले, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और फ्रेंड्स ये सारा कारण जो है ना धुएं से है, जैसे हम अगरबत्ती करते हैं, धूप करते हैं, तो उसी का कारण है ये। तो फिर मैंने ना फ़ैन वॉश करके साफ़ करके मैं नहाने चली गई थी, नहा कर मैं आई हूँ, मेरा काम यहाँ पे सारा फिनिश हो गया है, झाड़ू भी हो गया है और बाकी पोछा बचा है, वो मैंने बोला था कि मैं करूँगी दोपहर को, क्योंकि अभी मुझे बनाना था खाना। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग यहीं पे आज एंड भी होता है। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी हस्बैंड जी के लिए पनीर फ्राई, और खाना वाना हमारा साथ में ही बन रहा था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पनीर हस्बैंड जी का आज फास्ट था, मंगलवार का फास्ट था, इसलिए उनके लिए पनीर फ्राई हो रहा था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।